नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, जो कि आपके नेट पेपर 1 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि हम अपने कम्युनिटी टैब में जो क्वेश्चन डाल रहे हैं उस पर वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा, यानी उन प्रश्नों पर चर्चा होगी हमारे वीडियो में। तो हम आपके लिए 5 जो क्वेश्चन है कम्युनिटी टैब का, उस पर वीडियो लेके आए हैं और हम इन सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। वो क्वेश्चन है पहला कि शिक्षा की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। तो हमारा पहला ऑप्शन था सरकार, सेकेंड ऑप्शन था प्रधानाचार्य का, थर्ड ऑप्शन था शिक्षाविदों का और फोर्थ ऑप्शन था शिक्षकों का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जीता है कौन सा, चौथा, यानी शिक्षकों का। तो 78% ने शिक्षकों को सेलेक्ट किया है आपके 11वें नंबर का आंसर। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट हुए। और देखिए क्यों ये ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए सरकार को भी लोगों ने चुना है, कुछ लोगों ने शिक्षाविदों को भी चुना है, तो इस पर डिस्कस करना बिल्कुल ज़रूरी होता है कि क्यों शिक्षकों को होगा। तो देखिए, शिक्षण की प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई जाती है, तो शिक्षक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो अगर कोई समस्या आती है तो सबसे पहले फेस कौन करेगा, एक टीचर। ओके, क्योंकि टीचिंग का जिम्मा टीचर के ऊपर होता है। और अगर कहें तो प्रधानाचार्य क्यों नहीं, तो देखिए प्रधानाचार्य आपके सिस्टम को सही से चलाने का काम करता है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो आपके प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी बनती है कि उसको दूर करें। और फिर अगर इनसे सही नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है कि उस पर मंथन करने की ज़रूरत है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है आपके सब्जेक्ट के लिए, कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो कि बच्चों को बेहतर तरीके से, मतलब ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए या ज्ञान के रूप में देखें तो बेहतर नहीं है, तो उसमें शिक्षकों, शिक्षाविदों का हम सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर कहें तो यहाँ पे ऑप्शन अभी भी आपका शिक्षकों का हो रहा है। और सरकार क्या है, देखिए जब सभी लोग हार जाते हैं, ओके, जब पूरा का पूरा तंत्र ही बेकार हो गया, तो देखिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो ऐसा है फ्रेंड्स, सबका अलग अलग काम होता है, और काम को फ्रेंड्स अगर ध्यान से आप देखें तो बहुत आसानी से आप कैटेगराइज कर देंगे कि कौन सा काम किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे 11वें नंबर का जो क्वेश्चन था उसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि आज के वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन है व्यक्तियों के मूल्य निर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो देखिए पहला ऑप्शन था सोसाइटी, यानी कि समाज, आपका सेकेंड था स्कूल यानी कि विद्यालय, फिर आपका था थर्ड कम्युनिटी, और फिर आपका था लास्ट की फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए सभी लोगों ने सोसाइटी को चुना है, सभी लोग की बात हम नहीं करें, 85% लोगों ने किसको सेलेक्ट किया है, सोसाइटी को। कुछ लोग स्कूल को भी चुने हैं और कुछ लोग कंट्री को भी यहाँ पे चुने हैं। ओके, यहाँ पे कंट्री है, प्रीवियस थोड़ा 2-3-4 सेकेंड पहले हमने इसको कम्युनिटी पढ़ दिया था, तो फ्रेंड सॉरी, कभी कभी इरर आ जाते हैं, लेकिन मुझे जैसे रियलाइज हुआ मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसको ये है थर्ड आपका कंट्री। ओके, देश। तो देखिए मूल्यों के निर्धारण, ओके, मूल्यों के निर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण अंग पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सोसाइटी जो है ना, ये मेन होता है, क्योंकि सोसाइटी में ही सभी चीज़ आ जाते हैं, सोसाइटी सभी को टच करती है, चाहे वो आपका, ओके, कंट्री हो, कंट्री के अंदर ही सोसाइटी होता है, ओके, स्कूल्स है, स्कूल के भी अंदर सोसाइटी होता है। तो देखिए जहाँ पे एक से अधिक, यानी कम से कम दो व्यक्ति उपस्थित हों, दो लोग उपस्थित हों, वहाँ पे एक समाज का निर्माण हो जाता है, ओके, वहाँ पे सोसाइटी का निर्माण हो जाता है। और जब हम अपनी बातों को दूसरे के ऊपर या दूसरे की बातों को अपने ऊपर लेते हैं तो हम कुछ ना कुछ प्रभावित होते हैं, ओके, और जब हम इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हमारे व्यवहार में उसका प्रभाव झलकने लगता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा मूल्य हो जाता है। तो ये चीज़ें मूल्य निर्धारण में सहयोग करती हैं, क्या आपकी सोसाइटी, तो आपकी सोसाइटी के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा,
ओके, आपका हर चीज़ें काम करने की शैली, ओके, हर चीज़ें आपके मूल्य के निर्धारण में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। तो फ्रेंड्स, सोसाइटी आपका बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके मूल्य को निर्धारित करता है। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप लोग बोर्ड हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना, ओके, ज्ञान देना आवश्यक है, पहला ऑप्शन था, सेकंड था, सॉरी, पहला ऑप्शन था अनावश्यक है, सेकंड ऑप्शन है आवश्यक है, थर्ड ऑप्शन है पिछड़ापन है, और लास्ट ऑप्शन क्या है, इसमें से कोई नहीं। तो चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि पिछड़ापन है किसी ने नहीं चुना है। ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप पीजी क्वालिफाइड हैं और आप इतना सेंस तो रखते हैं कि पिछड़ापन एक भी लोगों ने यहाँ पे नहीं चुना, और फ्रेंड इसमें से कोई नहीं, और अनावश्यक है। देखिए, ये दो लोग जो थे, यानी कि ये दो ऑप्शन जो लोग चुने हैं, उसके लिए हमें इस वीडियो में डिस्कस करना ज़रूरी है। तो देखिए, 76% ने आवश्यक है इसको कहा है, तो फ्रेंड्स हम भी कहते हैं कि हाँ, यही ऑप्शन करेक्ट है, और क्यों करेक्ट है इस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वैज्ञानिक युग जो है वो बहुत ही अच्छा है, हम ये नहीं कहते कि ये बुरा है। देखिए, विज्ञान का जो देन है ना, वो हमें अच्छाई करने के लिए देता है कुछ ना कुछ, लेकिन अगर वो बुरे हाथ में पड़ जाए तो उसका बुरा यूज होने लगता है। तो विज्ञान बुरा नहीं है, विज्ञान का गलत तरीके से प्रयोग करने वाले लोग बुरे हैं, ठीक है। तो चलिए, इस पर अब ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ये कहेंगे कि विज्ञान में तो हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी हर चीज़ों की तरफ विज्ञान छाया हुआ है। तो अगर छात्रों की बात करें, यहाँ पे देखिए छात्रों की बात कर रहे हैं, तो छात्रों में आध्यात्मिकता का बोध कराना आवश्यक क्यों है? तो देखिए, हमारा आध्यात्मिकता क्या कराता है, हमें आध्यात्मिकता नैतिक गुणों का पालन कराने का सबसे बड़ा साधन होता है। ओके, एक सच्ची राह पे ले जाना, अच्छा बुरे में फ़र्क करना आध्यात्मिकता का है मेन उद्देश्य होता है। तो हम ये नहीं कहते आध्यात्मिकता जरूरी नहीं है, आध्यात्मिकता बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इसको अपने बच्चों में डेवलप नहीं करेंगे तो वो किसी बेहतर ट्रैक पे नहीं बने रह पाएंगे। तो फिर उसमें वही समस्याएं होंगी जो आज में हो रही हैं। एक बच्चे को आप देखते हैं, जब अभिभावकों के साथ बैठा रहता है तो टीवी का रिमोट फटाफट ले लेता है, ओके, लेकिन अगर आप कुछ समझाते हैं तो वो लोग जल्दी नहीं मानते हैं। मोबाइल हाथ में अभिभावकों के देख के बच्चा भी फटाफट मोबाइल ले लेता है और गेम खेलने लगता है, लेकिन अगर देखें तो उससे अगर मोबाइल आप लेंगे तो वो बच्चा चिड़चिड़ा होके, बहुत एग्रेसिव होके कुछ ना कुछ ऐसा जवाब दे देगा को आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या है, हम नैतिक मूल्यों को हास कर रहे हैं, सिर्फ विज्ञान के लिए हम बच्चों को नहीं यहाँ पे छोड़े हैं, कुछ समाज के लिए भी हमारा जिम्मेदारी बढ़ता है कि हम बच्चों में कुछ ऐसी चीज़ डेवलप करें जिससे हमारे समाज में भी कुछ अच्छाई जाए। ओके, तो फ्रेंड्स इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा, बस इतना ही कि देखिए आवश्यक है, ये हम बात कहेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर है आपका 4, विद्यालय में सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे, पहला ऑप्शन था व्यक्तित्व का विकास होता है, सेकंड था सीखने का अवसर मिलता है, तीसरा था आत्मविश्वास बढ़ता है, और चौथा ऊपर के सभी। तो यहाँ पे 91% ने दिया है ऊपर के सभी, तो फ्रेंड्स हम भी कहेंगे ऊपर के सभी, ये ऑप्शन यहाँ पे विनर होता है। लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3 ऊपर के जो तीन थे, ये एक ऑप्शन इन तीनों को कवर कर रहा है। तो देखिए, जिन लोगों ने दूसरा और तीसरा दिया है वो लोग भी करेक्ट हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे व्यक्तित्व का विकास, ओके, व्यक्तित्व का विकास भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो विद्यालय के अगर आप कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप इन सभी को डेवलप करते हैं, यानी कि विद्यालय में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो सर्वांगीण विकास किसका किसका होगा, व्यक्तित्व का होगा, आत्मविश्वास का होगा, सीखने का अवसर भी आपका बढ़ेगा और अवसर भी मिलेगा। तो देखिए, आपस में सहयोग की भावनाएं भी विकसित होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, इसीलिए स्कूलों में एक्टिविटीज़ प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर के सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो इतना ही लंबा चले, आगे बढ़ाएंगे तो और आपको दिक्कत होने लगेगी,
तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो में इतना ही, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।